हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, टेली जीएसटी कंप्लीट कोर्स का ये डे 6 वीडियो है। मैंने आगे के वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन, कंपनी क्रिएशन और क्या क्या चीज़ हमें सेटअप करने के टाइम पे वो सब ध्यान में रखनी, वो सारी चीज़ मैंने वीडियो में आपको बताया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप सीखें। क्योंकि अगर टेली को आपको सही तरीके से मायने में सही तरीके से सीखना है, आप टेली में मास्टर होना चाहते हो, तो आपको टेली में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं तो खाली परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट ये सब एंट्री करने से आप टेली में मास्टर नहीं होंगे। टेली को आपको हर एक चीज़ को सही तरीके से समझोगे तो आपको उसको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने ये आगे की वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख ले। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स है, तो उस कोर्स के अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से सिखाने वाला हूँ और आप टेली में किस लेवल पे टेली पे काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। तो मैंने जैसे कि डे 1 से 5 तक मैंने आपको इंस्टॉलेशन वर्क करना सिखाया, कंप्लीट क्रिएशन वगैरह सिखाया। तो अभी जो मेरा स्टेप बाय स्टेप सीरीज चलेगा उसमें मैं आपको पहले तो आपको ग्रुप वगैरह समझाऊंगा, क्योंकि टेली का जो मेन पार्ट है ग्रुप है। अगर आपको टेली में मास्टर होना है तो अगर जब तक आपको ग्रुप के बारे में नहीं पता होगा कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर में आता है, कौन सा ग्रुप का क्या यूज़ है, क्योंकि यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है टेली के अंदर। आप एज ए अकाउंटेंट काम करना चाहते हो तो टेली ऑपरेटर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप टेली अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ग्रुप तो समझना ही पड़ेगा और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सारी चीज़ उसी के ऊपर डिपेंड करती है। और आप कोई बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे वही मेन रिक्वायरमेंट होता है कि आपको वो चीज़ अगर अच्छी तरीके से आती है तो आपको टेली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एंट्री करना बहुत ही ईजी है, एंट्री करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट आपको अगर अच्छी तरीके से ग्रुपिंग समझ में आ जाते हो तो आप बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी सब जो भी चीज़ होती है, ट्रायल बैलेंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। पहले मैं आपको सारा ग्रुपिंग वगैरह सिखाऊंगा। ग्रुपिंग के बाद जब भी आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो या ट्रेनिंग बिजनेस हो, तो हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, पहले आप समझ लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट का ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कैपिटल लाना पड़ेगा। कैपिटल लाने के बाद आप जो बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको असेट वगैरह भी परचेस करने की जरूरत पड़ेगी, कोई आपको एक्सपेंसेस वगैरह भी करना पड़ेगा। फिर आप अपना परचेस वगैरह स्टार्ट करोगे जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल में मैं आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग का दिखाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कंप्यूटर का पार्ट्स वगैरह लेके आऊंगा, फिर उसको सेल करूंगा, तो उसमें मुझे प्रॉफिट वगैरह भी पता चलेगा, मेरे रेगुलर खर्चे भी जो होंगे उसके भी मैं एंट्री करके दिखाऊंगा। फिर क्या करूंगा, इस एंट्री करने के साथ में मैंने सर्विस का बिजनेस भी स्टार्ट कर दूंगा। मेरा कंप्यूटर का ट्रेडिंग का काम है तो मैं उसको सर्विस में भी कन्वर्ट करूंगा कि मैं उसका रिपेयरिंग के भी स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरा सर्विस बिजनेस भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो मेरा ट्रेडिंग और सर्विस दोनों मिक्स हो जाएगा। तो सर्विस का काम भी कैसे होता है और ट्रेडिंग का काम भी कैसे होता है, दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और इसी ट्रांजेक्शन के बीच में मैं आपको बीच में ऐड करूँगा मैन्युफैक्चरिंग का। तो ट्रेडिंग वगैरह में तो हम लोग जो रेगुलर परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, फिर हमारा जो रेगुलर मंथली खर्चा होता है उसका हम लोग एंट्री करेंगे, तो ईयर एंडिंग में आपको बैलेंस शीट वगैरह तो प्रिपेयर हो जाता है, इसमें बहुत इजी है। बट मेन पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो मैं आपको बीच में ऐसा बताऊंगा कि ये कंपनी जो आपका बिजनेस है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, आप अपना खुद का लैपटॉप वगैरह का असेंबलिंग का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए फिर आपका जो पार्ट्स होगा वो आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा, फिर जो आपका जो अब मेन सेल्स प्रोडक्ट है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो वो आपका फिनिश गुड आइटम बन जाएगा। तो इसके बीच में फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का कैसे एंट्री होगा, फिर आप रॉ मटेरियल का किस तरीके से मेंटेन करोगे, ग्रुपिंग वगैरह कैसे मेंटेन करोगे, कैटेगरी के थ्रू कैसे मेंटेन करोगे, ये सारी चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिर आपका ईयर एंड में जो भी प्रोविजनल वगैरह एंट्री होता है उसको भी हम लोग सीखेंगे। और सारी एंट्री करने के टाइम पे जो बीच में हम लोग जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे, 3B वगैरह फाइल करेंगे, जीएसटी R1 वगैरह फाइल करेंगे, तो उसको हम लोग कैसे JSN फाइल जनरेट करेंगे, कैसे हम उसको रिपोर्टिंग चेक करेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट वगैरह एंट्री कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ जो बिजनेस में रेगुलर होती है वो सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। और उसमें बीच बीच में हम लोग जो प्रिंट आउट निकालते तो उस टाइम पे जो F12 के सेटिंग्स होते हैं, एंट्री करने के टाइम पे जो F12 के सेटिंग्स होते हैं, सेल्स एंट्री रिपोर्टिंग वगैरह चेक करने के टाइम पे जो F12 सेटिंग होते हैं, और उसके साथ में जो भी सारे रिपोर्ट वगैरह होते हैं, आउटस्टैंडिंग है, सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है, पार्टी आउटस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो हमें रेगुलर चेक करनी होती है, तो उसका रिपोर्टिंग भी सारा साथ में चलता रहेगा, सेल्स ऑर्डर होगा, परचेस ऑर्डर होगा,
ये सारी चीज़ इस सीरीज में कवर होगी। आप एक ट्रेडिंग बिजनेस से लेकर सर्विस बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये सारी चीज़ टेली के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होती है, गोडाउन वाइज मेंटेन करना होगा, फिर हम लोग बेच वाइज मेंटेन करना होगा, प्राइस लिस्ट वगैरह सेटअप करना होगा, ये सारी चीज़ हम इस सीरीज़ के अंदर करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ के ऊपर डिटेल में सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो इस सीरीज़ को आपको रेगुलर फॉलो करना है। बाकी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, बट उस वीडियो में क्या स्टेप बाय स्टेप नहीं है, तो ये सीरीज़ रहेगा, उसमें आपको पूरा जो बिजनेस प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पूरा का पूरा आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैंने जो बताया उसमें भी कोई पार्ट आप ऐड करना चाहते हो, मेरे से कोई मिस हो गया, बट मैं आपको बता देता हूँ मैं इसमें पेरोल वगैरह ऐड नहीं करूँगा, पेरोल इसमें नहीं कवर होगा, आपको GST का जितना भी पूरा होता है वो सारा का सारा चीज़ मैं इसमें कवर कर लूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में जो भी नया सेवन सीरीज होगा, सेवन डे सेवन का रहेगा, वो भी रेगुलर वीडियो आप देखते रहना, आपको प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, जो जो मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपको प्लेलिस्ट में उसका अपडेट आता रहेगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।